हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18-4 क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है पार्ट 5 से, वर्कशीट ये है आपकी उद्योग अध्याय से, और ये वर्कशीट आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं आज की जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हमने पढ़ा था कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योग वे केंद्र हैं जो कि कच्चे माल को उपयोगी माल में बदलते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि उद्योग जो है उनको केंद्रित किए जहाँ पर जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। उद्योग मुख्यतः उन स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, यानी जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सके, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति यानी जो वर्कर होते हैं, पूंजी चाहिए, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके, ठीक है, तो वहीं पर उद्योग जो है वो केंद्रित किए जाते हैं। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। तो कभी कभी सरकार जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विकास ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर सरकार जो है वो उद्योग लगाने को पहल करती है, और ऐसे में कम दाम पर विद्युत जो है वो देती है, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। तो उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी होती है, नगर और शहरों का विकास होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक तंत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र जो है मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। तो जो ये औद्योगिक तंत्र होते हैं इसमें क्या है कि निवेश होता है सबसे पहले, उसके बाद पहली जो यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहले क्या है, निवेश होगा। निवेश के बाद उस जो निवेश हुआ है उस पर प्रक्रम किया जाएगा यानी प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद निर्गत, निर्गत यानी होता है आउटपुट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है आउटपुट मिलेगी यानी जो माल हमें मिलकर तैयार होगा। अब देखिए निवेश में क्या है, निवेश में कच्चा माल, जो मेहनत है, भूमि की लागत होगी, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। तो ये सब जो है क्या करना पड़ेगा, पहले निवेश करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, यानी जो भी हमने यहाँ पर निवेश किया है उसके ऊपर कार्य होगा, प्रोसेस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रक्रम, जो कि कच्चा माल जो है उसको उपयोगी माल में बदलेगा। उसके बाद देखिए बेटा निर्गत, निर्गत में क्या है, अंतिम उत्पादन। निर्गत क्या होता है, अंतिम उत्पादन, वस्तु के का जो है उपयोग के लिए तैयार होना, ये उपयोग है बच्चों, उपयोग लिखा हुआ है, ये उपयोग आएगा, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है, ठीक है। तो वो क्या होगी, निर्गत होगी, जो अंतिम उत्पादन होगा उसको बेच कर क्या मिलेगी, आय मिलेगी, ठीक है। अब देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है। अब सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, तो पहले तो कच्चा माल कपास चाहिए, सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद मानव यानी जो है वर्कर चाहिए, श्रम चाहिए, कारखाना, परिवहन लागत, ये सभी क्या है, ये सभी निवेश हो सकते हैं। अब वही प्रक्रम में वस्तु की जो ओटाई है, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया, ये सारे काम उसको करने के लिए, फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए उसके ऊपर करने पड़ेंगे, जो हमारा कच्चा माल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रक्रम हो गया। अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा और फिर उसको हम क्या करते हैं, पहनते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हो गए जिसमें आप करेंगे निवेश, उसके बाद प्रक्रम और फिर निर्गत। उसके बाद देखिए औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। तो बेटा बहुत सारा ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बहुत सारे उद्योगों के लिए ही जो है ये क्षेत्र होते हैं, निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। तो ऐसे जहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं उनको आपस में भी जो है वो जो है लाभ उनको मिलता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांशतः मुख्य उद्योग जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। तो ये जो उद्योग हैं
ये जो है ज्यादातर समुद्र के समीप है, पानी की उपलब्धता होती है। इसके अलावा कोयला क्षेत्र बेटा, जैसे विद्युत जो है उनको आसानी से कोयला मिल जाए और विद्युत वो आसानी से जो है ले सकें, क्योंकि कोयला वो बिजली बनाने के काम भी आता है, साथ साथ जो है इसको ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। तो अगर देखिए जो कोयले के जो भंडार हैं वो अगर उद्योग से दूर होंगे और कोयला चाहिए तो फिर परिवहन में ज़्यादा लागत आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है देखते हुए औद्योगिक प्रदेश बनाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं ताकि निवेश कम से कम हो और जो आय है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरह से जो सारे फैक्टर्स हैं उनको देख के ही औद्योगिक प्रदेश वो जो है फाइनल किए जाते हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो खड़ी की जाती हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में क्या है बच्चों, आपने अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर आती है। तो बेटा मोस्टली ऐसी चीजें हैं हमारे चारों तरफ जो उद्योग में बन के आती हैं, तो आपको कोई भी 10 जो है नाम वो लिख देने हैं। तो आइए बेटा इसको कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से आप लिख लेंगे मोमबत्ती, कपड़े, बर्तन, पैन, किताबें, गुड़, फ्रिज, टेलीविजन, ठीक है। उसके बाद देखिए लैपटॉप, और नंबर 10 पे आप एग्जाम्पल चप्पल जो है हमारी स्लीपर्स वो सब उद्योगों में बन के आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न 1 है यहाँ पे, उद्योग लगाने के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो बेटा उद्योग लगाने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है, ये हम जो है यहाँ से करेंगे। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो हमने ये अभी पढ़ा, औद्योगिक तंत्र जो है मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। तो भाई यही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, कि औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश है, प्रक्रम है और निर्गत है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो ये बेटा करते हैं, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। सो यहाँ से बेटा आप उत्तर 3 करेंगे, औद्योगिक प्रदेश किसी नगर, राज्य या अन्य प्रशासनिक भौगोलिक इकाई का वह भाग होता है जिनका प्रयोग अधिकांश रूप से उद्योग के लिए होता हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम औद्योगिक प्रदेश कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर अधिकांश रूप से उसका प्रयोग किसके लिए होता है, उसका प्रयोग उद्योगों के लिए ही होता है, तो उसको हम औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है। तो देखिए उद्योगों की स्थापना जो है उससे क्या लाभ है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे कि जो उद्योग हैं उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। तो बेटा आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो कि जो उद्योग हैं वो जो है पूंजी को बढ़ाते हैं, किसी देश की जो आय है राष्ट्रीय आय उसको बढ़ाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, ठीक है, हमारी जीविका के एक तरह साधन हो जाते हैं। तो ये सभी बातें आप लिखेंगे कि उद्योगों की स्थापना के क्या लाभ हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है, उद्योगों से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उद्योगों से बच्चों हमें जरूरत की वस्तुएं मिलती हैं जिनसे हमारा जीवन जो है वो क्या है, सरल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख दीजिए। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।